हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग गाइस। दिस इज मी शरद पारिक, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और कमाल का ब्लॉग गाइस। आज मैं जा रहा हूँ, मौसम बड़ा गर्मी का हो गया है, एसी है हवा देने के लिए, लेकिन मैंने इस बार तय किया है कि मैं एसी की हवा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मतलब कोल्ड होना, मतलब एसी की हवा से एकदम बाहर निकलते मतलब भयंकर गर्म होता है, तो उसकी वजह से बीमार पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गाइस इसलिए मैं जा रहा हूँ आज अपने लिए एक छोटा सा कूलर देखने के लिए। आज अगर मैं मन हुआ अगर लेने का तो मैं लेकर के भी आ जाऊंगा, वरना अगर लगता है कि नहीं और अच्छा मिल सकता है तो मैं फिर मतलब थोड़े दिन में ले लूंगा, क्योंकि अभी उतनी गर्मी नहीं पड़ी है कि कूलर की ज़रूरत पड़े, बट हाँ अभी से देखने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आइए गाइस चलते हैं और लेने और दिखाने आपको चीपेस्ट कूलर दिखाएंगे, आपके लिए भी फ़ायदा करवाऊंगा, चीपेस्ट शॉप पर लेकर चलूंगा जहाँ से आपको भी पता चल सके कि हाँ भैया सबसे सस्ता कूलर कहाँ मिल सकता है। तो आइए गाइस चलते हैं। सोच रहे होंगे कि यार मैं कपड़े चेंज नहीं करता, मतलब वही कपड़ा सेम, देखो शर्ट, एक्चुअल में ये समर कोट समझो इसे, इसे मैं केवल धूप से बचने के लिए पहनता हूँ, केवल धूप से बचने के लिए। देख लो जयपुर का झोटवाड़ा, ये मार्केट भी इसने भी बड़ी जल्दी से ग्रो किया, मतलब इस मार्केट का कभी किसी को लगता नहीं था इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा, लेकिन ये भी आज जयपुर के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। देखो पूरा ब्लॉक पड़ा है, पता नहीं कितने मिनट लगेंगे, मेरे पीछे जगह खाली थी, मन तो हुआ था वापस घुमा लूँ, मुझे घुमा लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, अटक गया तो अटक गया, क्या करें, इंतज़ार करेंगे और तो क्या। देख लो भैया इस गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है और इसकी वजह से ये पूरा जाम लग गया है, सब लोग परेशान हो रहे हैं सिर्फ एक गाड़ी की वजह से, पर मुझे खुशी है कि मैं निकल गया यहाँ से, इन सब की हालत सोचो कितनी बुरी होगी, कितना लंबा जाम हो गया है बॉस, इन सब के कम से कम आधा घंटा तो गया यहीं पर ही और अपने केवल 5 मिनट। या चलो गाइस जो मुझे कूलर पसंद आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो देखो ये कूलर है, छोटा सा कूलर, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये 2300 रुपये का पड़ रहा है, एक ये कूलर है जो मुझे पड़ रहा है लगभग 2500 या 2600 रुपए का पड़ रहा है ये वाला, और ये इतना बड़ा है, ये छोटा सा है, इसके अंदर केवल पीछे की साइड में बेड है, और ये देखो और जो मुझे पड़ रहा है एकदम सही रेट पे वो पड़ रहा है ये, देखो गाइस ये वाला जो कूलर है केदान का, ये मेरे को पड़ रहा है 3250 रुपये का, और बड़े कूलर में देखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नीड है नहीं अभी बड़े कूलर की, तो इसलिए मैं ये वाले कूलर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस मैं भैया को कन्विंस कर रहा हूँ कि मैं अगर मुझे स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है तो आप लोगों को यहाँ शॉप पर आने के लिए देखते हैं, भैया मान जाते हैं तो ठीक है बाकी मैं कुछ बताऊंगा नहीं अभी, वो बाकी जो मुझे रेट पड़ेगी वो मुझे पड़ेगी और आपको जो पड़ेगी वो भी स्पेशल डिस्काउंट में पड़ेगी, बाकी देखता हूँ, अभी तो मैं ले जा पाऊँगा नहीं तो मैं वापस से आऊँगा कूलर लेने के लिए, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर बाकी अभी घर पे जाता हूँ आपसे बात करता हूँ और जब भी मैं कूलर उठाऊंगा तब आपको बता ही दूंगा। जैसे कि गाइस आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैं जाकर के कूलर की शॉप पर देख करके आया हूँ कूलर, मुझे पसंद भी आया कूलर, बट मैं वो कूलर साथ में लेकर आ नहीं सकता था इसलिए मैं लेने नहीं गया कूलर, लेकिन हाँ मैं कल या परसों में जाकर के कूलर को ले आऊँगा। और गाइस उससे भी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं घर पर आ चुका हूँ, ऐसा आपको व्लॉग में लग रहा है लेकिन ये रात को बैठ करके आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने अपने कूलर के बाद में मैं बाइक को भी दिखाने के लिए गया था कि बाइक को जा करके चेक कर रहा हूँ और फिर मैं बाइक भी चेक करवा कर आया हूँ क्योंकि वो ऑयल वाला इशू कुछ आ रहा था, तो आप व्लॉग को कंटिन्यू देखो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखो गाइस नीचे देखो ऑयल पूरा, नीचे ऑयल एकदम फ्रेश है देखो, इसलिए जाना पड़ रहा है मुझको वापस से ऑयल लेने के लिए, जबकि जब से मैं इसको सर्विस से लेकर आया हूँ तब से मैंने एक बार भी चालू नहीं किया इसे, देखते हैं। स्टार्ट तो हो गई है एक ही बार में क्योंकि बैटरी चेंज हुई है तब से बहुत फर्क पड़ा है, नहीं तो अभी स्टार्ट भी नहीं होती है। अब चल रहा है सर्विस सेंटर,
बात करूँ तो ये प्रॉब्लम, अगर इसके अंदर वो पाइप चेंज हुआ था उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो पता नहीं, मेरा समझ में नहीं आ रहा मतलब दिक्कत क्या है, चल कर ही पता चलेगा। 40 डिग्री टेम्परेचर में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं हाफ टी शर्ट पहन कर आ गया, हाथ पूरा ऐसा लग रहा है ऐसे जल जाएंगे। ये तो मैं अपने काम करके आया था, उसके बाद में मैंने देखा ये खड़ी हुई थी एकदम कवर लगी हुई, तो मैंने नीचे ध्यान दिया तो नीचे काफ़ी ऑयल ऑयल हो रहा था, तो मैंने कि भैया ऑयल इतना कैसे हो रहा है, देखा तो इसी में से टप 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 तो नहीं मतलब एकदम फ्रेश एक एक फूल के दे थे पर काफ़ी ऑयल निकल गया है, जा करके चेक कराना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। इंडिकेटर राइट का दे रहा है, चला लेफ्ट में रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चाहता क्या है। कैब वाले यार बिल्कुल भी सही से नहीं चला रहे, कई कैब वाले, सबकी नहीं बोलूँगा, कई कैब वाले आजकल बेवकूफों की तरह अपने कार को ड्राइव कर रहे हैं। 4 3 2 1 देखो ऑरेंज हो गई ना, सही टाइम पे निकल कर ये आ गए। ये लो जी पेट्रोल की प्राइसेस चेक कर लो, 100 सेंचुरी। ये पहुंच गया रॉयल एनफील्ड, ये रहा इनका शोरूम और ये रहे ऑयल निकल रहा है वही नीचे से खड़ी हुई थी, मैंने भी अभी ध्यान दिया तब देखा वही नीचे से इधर से पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। अब ये नहीं समझ में आया मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश सा ही गिरा हुआ था, अभी तो मैं देख कर आया था, शायद ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, नॉर्मली था सब कुछ। अब इसको वापस बना रहते हैं इसके कपड़े। ऑल सेट। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है कंटेंट। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करो, बुरा लग रहा है तो भी अच्छे अच्छे कमेंट करो। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय गाइस।